सबका, आप सभी का सौभाग्य है कि आज ऐसे विशेष महारथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉड्स फॉर ब्रदर डॉक्टर गिरीश भाई जी। और आज के सेशन के चेयरपर्सन ब्रदर मुकेश माथुर जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। भ्राता मुकेश माथुर जी, बहनों से अनुरोध करेंगे कि पुष्प गुच्छ और बैज देकर के हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप तालियों के द्वारा अपने स्थान पर बैठे ही वो दिल के उद्गार, दिल के भाव व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आप मुकेश माथुर जी महामंत्री हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन जयपुर, सहायक महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन न्यू दिल्ली, और प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंद मजदूर सभा के, सदस्य हैं JCM के, NPC के। तो आज के इस सेशन में आपका भी और सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। माइक हैंड ओवर करना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे भ्राता डॉक्टर गिरीश पटेल जी को। तालियों से अभिनंदन। ओम शांति। सभी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? देखो, कल सिद्ध करके बताया था ना कि देख नहीं रहे, है ना। आज सिद्ध करके बताता हूं कि सुन नहीं रहे। देखना शायद शुरू कर दिया एक दिन में। ये गेम हमने बचपन में भी खेली है, फिर से खेलेंगे। परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कि जिसको शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा की आज्ञा ही माननी है, और कोई कहे तो नहीं मानना। बल मैं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, मैं बोलूंगा शिव बाबा कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ठीक है। अब ये पूरा सत्र शिव बाबा कहे तो ही खड़ा होने का, शिव बाबा कहे बैठ जाओ तभी बैठना है, ठीक है। शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, करिए करिए। शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा बैठ जाओ। देखो, नहीं सुना ना? देखो, मान गए कि सुनते नहीं है। चलो, आप सभी जीत गए, बैठ जाओ। किसने बोला? देखो, क्यों बैठे, किसने बोला? शिव बाबा ने थोड़ी बोला, देखो। अच्छा, शिव बाबा कहते बैठ जाओ। हाँ, ये थोड़े लोग ही सुन रहे हैं। ओके, हाँ, तो ध्यान से सुनना। हाँ, हम क्यों नहीं सुनते पता है? हमको लगता है ये सब तो मुझे मालूम है, ये तो मैंने पहले भी सुना है। या तो मन इससे और कोई इंपॉर्टेंट बात में आपको ले जाता है, बुद्धि खींच के ले जाती है। कभी बुद्धि को भी बोल दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ क्राइसिस भी आने वाली है तो उसको बाद में हैंडल करेंगे। अभी यहां पर बैठे हैं तो पूरा इसका लाभ लेना है। सचमुच एक बात आपको परिवर्तन कर सकती है सारा जीवन, वो अंतर मन की गहराई में चली जानी चाहिए। तो क्राइसिस में काम कैसे रहना है, आप स्लाइड्स को भी देखते रहना, दोनों और स्लाइड्स रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो, क्राइसिस आती है ना तो हमारी ऐसी हालत होती है, हम कंफ्यूज हो जाते, टेंशन में आ जाते, ब्लैकआउट हो जाता है ना, रोने लगते, बहुत कुछ होता है। और अब ये
क्राइसिस में मेन उसका जो आधार है ना वह है हमारे विचार, बल ऑटोमेटिक आते, तुरंत आते, एक मिली सेकेंड में आते, परंतु है तो विचार। ऐसे वास्तव में कुल मिला के 18 टाइप्स ऑफ थॉट्स है। मैं आपको थोड़े से बताता हूं कि कैसे क्राइसिस में क्या थॉट आते। पहले तो जिसको कहा कैटोस्ट्रोफाइजिंग, कि बारिश आए ना तो व्यक्ति सोचता भी बादल फटने वाला है, छाती में दर्द हो ना उसको लगता भी हार्ट अटैक आने वाला है। मेरे कितने पेशेंट है, 200 कार्डियोग्राम करा लिए। एक तो ऐसा पेशेंट था जिसको डॉक्टर ने कहा हाँ उसको छाती में दर्द होता तो भाग के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। डॉक्टर कार्डियोग्राम निकालता था, उसको बोलता था तुमको कुछ नहीं है, वापस आ जाता था। तो डॉक्टर ने बहुत बार किया, फिर एक दिन बोला देखो भैया ये ले मेरा फोटो, घर में लगा दे, जब छाती में दर्द होना तब मेरे फोटो को देखना और बोलना कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे हम कैटोट्रोफाइजिंग करते हैं। सेकेंड है जिसको कहते हैं कि टू मच थिंकिंग, कंफ्यूज हो जाते, जैसे भी एक साथ में 500 विचार आने लगते और उससे भी हमें पैनिक होता है। तो भले क्राइसिस आए, ये गलत थॉट नहीं, मुझे शांति से क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको हैंडल करना है, आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम मैग्निफाई करते, चीज 5% है उसको हम 90% कर देते, और क्या होता है ना, ये भी होता है कि वाई मी, डायबिटीज का डायग्नोसिस हो ना तो अधिकतर पेशेंट ये कहते मुझे क्यों हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, क्या मैं भगवान को खाली मिला था। तो एक कुछ एक विचार है कि जिसके कारण क्राइसिस हमारा बढ़ जाता है। और एक अनडिजायरेबल थॉट है ऑल और नन थिंकिंग, ये व्यक्ति एक्सट्रीम में सोचता है, वह उसके लिए एक्चुअली लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लाइफ है डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे ना, तो इसलिए ऑल और नन थिंकिंग नहीं करना है। अच्छा हाँ, अब देखो कि भी क्राइसिस में काम क्यों रहे, उसके फायदे आप सब भी जानते हैं कि सही समय पर सही विचार आ सकता है। अगर हम काम रहेंगे तो आप सही सोच पाते हैं, आप काम रहेंगे तो सही निर्णय भी कर पाएंगे, क्योंकि क्राइसिस आता है तो तब निर्णय करना होता है ना। वो कहां पर एक्सीडेंट ट्रेन का हुआ था ना, दशहरा का या कोई दिन था, लोग रावण मारने के लिए खड़े थे सारे ट्रैक पे उसके लिए क्राइसिस, अभी किसका दोष हम नहीं बोल सकते, ड्राइवर के लिए तो वो क्राइसिस थी, परंतु अगर व्यक्ति काम है तो राइट डिसीजन तब ले पाएगा। और ऐसे ही जब आप हड़बड़ा जाते हैं ना, नर्वस हो जाते, डर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक्शन आपकी उल्टी स्लो हो जाती है। आपको ये लगता है कि मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं, बहुत कर रहा हूं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। वास्तव में अगर फास्ट एक्शंस लेनी है तो हमें काम होना चाहिए, तब आपके एक्शंस भी क्विक होंगे। तो ऐसे कई फायदे हैं काम रहने के, परंतु मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हम काम रहे कैसे, है ना। उसकी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल युक्तियां बताना चाहता हूं। समुद्र में जब तूफान आता है ना, तब अधिकतर जो नाविक है, जो एक्सपीरियंस नहीं है, वो भागने की कोशिश करते लेकिन फंस जाते। लेकिन जो बहुत ही अनुभव होता है वो उल्टा सेंटर में जाता है, क्योंकि कहते आई ऑफ द स्टॉर्म वो बिल्कुल शांत है, उसका जो सेंटर है वह बिल्कुल शांत है। तो ऐसे ही क्राइसिस में भागने के बदले
उल्टा हमको सेंटर में जाना चाहिए। अगर हम सेंटर में जाएंगे तो वहां पूरी शांति है ना, वहां कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बेस्ट एक्सपेक्ट करो परंतु वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। देखो आपको मेरा अपना सही उदाहरण बताता हूं। हाँ, शायद एक रियल एक्सपीरियंस है। आज से शायद 35 साल हो गए होंगे कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत ही की थी। मैं बोरीवली में रहता था और अंधेरी में क्लिनिक था। तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तो रात को करीब 11:30-12 बजे फोन आया और सामने वाला व्यक्ति एकदम पैनिक में था। उसने कहा, डॉक्टर आपके क्लिनिक में आग लग गई है। और शायद मैंने भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं, तुमको कहा मैं तुरंत आता हूं। तो तब फिर मैं बोरीवली से ट्रेन में आने लगा, है ना। तो तब कहीं प्रॉब्लम था कि भी सारा बिल्डिंग जल गया है, बहुत बड़ी आग लगी। तो तब ऑटोमेटिक मैंने ये किया, मैंने क्या किया, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। वो जो करीब 30 मिनट लगे वहां पहुंचने में, तब मैंने अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पूरा क्लिनिक जल गया, पूरा बिल्डिंग खाक हो गया, है ना। तो भी भाई मैं तो जिंदा हूं, चलो कुछ नहीं तो फिर से जॉब कर लेंगे, इतना अच्छा क्वालिफिकेशन तो है, जॉब तो मिल ही जाएगा, है ना। ऐसे मन को शांत रखा और वहां पहुंचा, है ना। वहां गया तो कुछ नहीं हुआ था, एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और एक गदेला था वो थोड़ा जल गया, तो करीब 4,000-5,000 रुपए का नुकसान हुआ था। तो बहुत ही खुशी हुई उल्टा, क्योंकि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर थे और जब वो थोड़ा सा नुकसान था तो खुशी हुई। तो बस ऐसा ही करना है कि सोचना है बेस्ट, ये नहीं कि भी सोचो वर्स्ट, परंतु प्रिपेयर रहो वर्स्ट के लिए भी। अब यहां पे ऐसी बात है, एक बात को समझ लीजिए, जब भी प्रॉब्लम आए, या तो कई बार तो जिसको हमने कहा है ना एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, आज एक्चुअली नहीं हुआ तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, है ना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या होगा। तो ऐसी चीजों में कहते हैं कि भी सबसे अच्छा उपाय है कि एक्सेप्ट, कितना ना बड़ा प्रॉब्लम होने अगर व्यक्ति एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो 50% आप जीत गए, अब 50% ही आपको कुछ आगे करना है ना। तो यह जरूर करो। जैसे आमतौर पर मैं बताता हूं कि डॉक्टर अली को कांटेक्ट करो। अली का स्पेलिंग क्या है, ALI, ए अर्थात एक्सेप्ट, एल अर्थात लिसन, कि सुनो क्या हो रहा है, क्या है अंदर में, क्या क्या बुरे बुरे भी कौन से विचार आ रहे हैं, और आई मतलब इंट्रोस्पेक्ट, कि शांति से इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको बहुत सारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये बात को समझो कि क्राइसिस वो परिस्थिति के कारण नहीं आता है, अधिकतर हम परिस्थिति को दोष देते हैं, परंतु क्राइसिस जो है वो हमारी मनः स्थिति के कारण आता है। कहते हैं कि, है ना, जब भी क्राइसिस आता है तो कई लोग ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से लोग हैं हु ब्रेक द रिकॉर्ड्स, है ना। अनुरमा सिन्हा का आपने उदाहरण सुना होगा, जिसको ट्रेन में रॉबर्स ने ट्रेन के बाहर फेंक दिया, उसे लड़ने गई तो, और सामने से ट्रेन आ रही थी, एक पैर कट गया,
काफी समय के बाद मदद मिली वास्तव में, क्योंकि रात का समय था। और जब उसको पूछा गया कि भी आप हॉस्पिटल पहुंचे और आपने होश संभाला, तो पहला विचार क्या आया, पता उसने क्या कहा? कहा पहला विचार ये आया कि थैंक गॉड मैं मरी नहीं। वो कहते दूसरा विचार आया, वो फुटबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी, उसने कहा कि दूसरा विचार आया कि भी माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगी। जब वो कोच के पास भी गई तो कोच भी बड़े पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा बेटे तू चढ़ गई, अभी मुझे सिर्फ फिजिकली करने का बाकी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रीच माउंट एवरेस्ट। और सचमुच पहुंची, भारत सरकार ने उसको पद्मश्री भी दिया, नहीं तो शायद नहीं मिलता, है ना। तो कोई कहेगा कि शी हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड्स। ऐसे ही जब क्राइसिस आता है तब अधिकतर लोग होपलेस हो जाते और आत्महत्या कर लेते, परंतु कुछ लोग हैं दे बिकम एंडलेसली होपफुल। कैफी कॉफी डे का भी जो उदाहरण हुआ, भी मैं समझता हूं इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि आत्महत्या करने की जरूरत थी, अगर तब थोड़ा शांति से इन बातों को सोचते तो शायद हैंडल कर पाते। मैं ट्रांसपोर्ट विंग का उदाहरण देना, राज ट्रैवल्स बॉम्बे में थे, जिन्होंने भी सी लिंक से जंप लगाया। तो प्रॉब्लम्स वर्थ है, लेकिन शायद इतने सीरियस नहीं थे। हमको क्या करना है, होपलेस नहीं बनना है, क्या करना है, एंडलेसली होपफुल बनना है। और सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं है। देखो चाइनीज में है ना क्राइसिस, उसमें थोड़ा सा यहां से यहां चेंज करो ना तो उसका मीनिंग बदल जाता है। कहते क्राइसिस का जरा सा इसे राइट से लेफ्ट कर दिया तो उसका अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी। हाँ, किसको चाइनीज आता हो तो पूछना है, सत्य है। तो क्राइसिस ऑल्सो कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। आपको अपना एक उदाहरण सुनाता हूं जो बिल्कुल सत्य है। मेरा सबसे बड़ा भाई, जब मैंने पढ़ाई की फिर पता चला कि उसको क्या बीमारी थी, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, और बड़े एफिजार होते ऐसे लोग। वो 10-12 साल में तो शराब पीने लगा, घर आके हंगामा मचाता था। हम लोग छोटे से 2 कमरे का चौल जैसा घर था, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे। तब शायद मैं एसएससी में था, तो तब डिस्टर्ब होने के बदले में ज्यादा ही पढ़ता था। ये सोचता था कि पढ़ूंगा तो माँ बाप को हेल्प कर सकता हूं उसकी ट्रीटमेंट करने में। तो वो क्राइसिस में पढ़ाई कम होने के बदले पढ़ाई 2 गुना बढ़ गई। तो ऐसे क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कभी भी परिस्थिति को ब्लेम नहीं करो। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल समझना भी है तो अपनी मनःस्थिति को रिस्पॉन्सिबल समझो। और यह मनःस्थिति हमारे कंट्रोल में है। अब देखो क्या करना है। आप कहेंगे डॉक्टर ये सब थियोरी में तो अच्छा है, परंतु प्रैक्टिकल जब आता है ना तब मुश्किल है। आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं कि तब करना क्या है। देखो तब क्या करो, देखो आज हमारी ऐसी स्थिति है, 24 घंटे के थॉट्स आप देखो ना तो कंप्लेन के थॉट बहुत ज्यादा है, सेल्फ कंट्रोल के थॉट्स कम है। परंतु जब भी क्राइसिस आए बस 2 काम सिंपल करने जो सब कर सकते। कितना भी बड़ा क्राइसिस आए तब भी ना कुछ सोचो कि अभी लेटे नहीं रहना, मुझे समझो ना 100 मीटर भी चलना है। फिर सोचो कितना ना समस्या हो, उठ के स्नान करना है मुझे, कितनी ना बड़ी समस्या हो, मुझे लिखना है,
कि मेरे कंट्रोल में क्या है। देखो कितनी ना बड़ी समस्या हो, कुछ ना कुछ आपके कंट्रोल में जरूर होता है, तब बल बुद्धि आपको नेगेटिव में ले जा रही है, परंतु आप चाहे तो पॉजिटिव में जा सकते हैं। तब भी ये सोचो कि क्या क्या मैं कर सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है कि 5 लोगों को फोन कर सकता हूं, कुछ नया पढ़ सकता हूं, कुछ अच्छा सोच सकता हूं, है ना, वॉकिंग कर सकता हूं, अपनी वीकनेस को चेंज कर सकता हूं। ऐसे आप लिस्ट बनाएंगे तो वो क्राइसिस में भी बहुत कुछ पॉसिबल है ना, कि जो आपके काम में आएगा। और जब क्राइसिस आती है ना, तब मालूम नहीं पड़ता है, एक्चुअली फ्यूचर में कुछ अच्छा होता ही है। भल आपको वर्तमान में, मेरे उदाहरण मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। आज मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूं। स्टीव जॉब का एक बहुत अच्छा वीडियो है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के डिग्री फंक्शन में 3 कहानियां बोली, आप में से कईयों ने देखा भी होगा, है ना, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हमने एप्पल को स्टार्ट किया, उनके घर के ही गैरेज से स्टार्ट किया और बहुत बड़ा बन गया, लेकिन फिर लगा कि एक ऐसा व्यक्ति था कि शायद उसको भी हमारे साथ ले ले तो ये कंपनी और बड़ी होगी, तो उसको भी साथ में ले लिया, लेकिन वो इनसे भी स्मार्ट निकला। उसने एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रस्ताव रखा कि इसी को भगा दो, और डायरेक्टर्स ने उसकी बात मान ली, उनको कहा कि आप जाओ। इट वॉज अ बिग क्राइसिस। लेकिन स्टीव जॉब लिखते हैं, उन्होंने बताया कि भी मैं पीसफुल रहा और पुरुषार्थ करता रहा, तो एक अच्छी महिला का मेरे को संपर्क हुआ कि जिससे मेरा प्यार हो गया और अभी वो मेरी पत्नी है। कहते कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद उनसे मेरा संपर्क भी नहीं होता। तो ये बात बताते, उन्होंने 3 बहुत अच्छे उदाहरण दिए। कहते डॉट्स है वो हम फ्यूचर में नहीं मिला सकते, है ना, हम पास्ट में, अभी आपको मालूम नहीं जब क्राइसिस आई कि आगे फायदा क्या होगा, लेकिन थोड़ा रुकेंगे 5 दिन, 5 महीना, 5 साल, तो कुछ न कुछ अच्छी बात सामने आ ही जाएगी। तो इसलिए एक बड़ा सा लिस्ट बनाओ कि मेरे कंट्रोल में क्या है, और देखो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कंप्लेन थोड़ी सी रहेगी और सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। और क्या करना चाहिए, जब क्राइसिस आता है तब जो प्रॉब्लम है वो हमारे गोल पर प्रेशर डालता है, है ना। आप देखो पिक्चर को देखिए कि क्राइसिस आपके गोल्स पर प्रेशर डालता है, तो क्या होता है, क्या हुआ, गोल छोटा हो गया, क्राइसिस बढ़ गया। परंतु हमें करना क्या है कि गोल है वो प्रॉब्लम पर प्रेशर डाले कि कुछ तो सॉल्यूशन मिलने वाला है, मुझे ट्राई करना है, मैं कोशिश करूंगा, मेरे को कुछ करने दो, इसका संपर्क करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, तो आप पाएंगे कि गोल अगर प्रॉब्लम पर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा। हाँ, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, पिक्चर देखो, हाँ, कि गोल बड़ा हो गया, आपका प्रॉब्लम छोटा रह गया। हाँ, तो ये प्रैक्टिकली करेंगे। एंड अल्टीमेटली कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या हो, हाँ, एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्चर को देखिए, हाँ, जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं सब, हाँ, किसको किसको वास दिखाई देता है, वास किसको किसको दिखाई देता है, हाथ उठाओ। हाँ, 2 चेहरे किसको किसको दिखाई देते हैं, हाँ, दोनों किसको दिखाई देता है, देखो दोनों है, ये पिक्चर में वास भी है, 2 चेहरे भी है, ये सिर्फ आपको एंगल को चेंज करना है। अभी इसको देखो, ध्यान से देखो, देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो बोलो, एंगल चेंज होता है तो क्या होता है,
बूढ़ी महिला जवान हो जाती है ना? तो क्राइसिस कैन बिकम अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस कैन बिकम पीस ऑफ माइंड, अगर आप उसका जो एटीट्यूड है उसको बदल दो। अब देखो, अब क्राइसिस में और आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं। एक तो स्टेप है इंटरनलाइज, जो कहा ना आई ऑफ द स्टॉर्म, बाहर नहीं जाना है अंदर जाना है। तो जब भी आए तो इंटरनलाइज करो कि मुझे क्या विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर में क्या है। अपनी सांस की गति को ही देखने लगो, अपने विचारों को ही देखने लगो, फिर क्या करो होगा। चला गया है? तो वहां है, अच्छा अच्छा हाँ चलो देख रहे, दे विल डू समथिंग। नहीं मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इजी। फर्स्ट था इंटरनलाइज, सेकेंड है डिवीनाइज। अगर कुछ हो सके तो देखिए, ये चल स्लाइड चली गई। सेकेंड है डिवीनाइज, है ना, तो उसको उसमें डिविनिटी को भी ऐड करो। जैसे एक सिंपल ये हो सकता है कि भी ये समस्या आई है ना, कुछ मुझे सिखाने के लिए आई है। कहते ना, देर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स टू बी लर्न। ये जो आया है ना, भगवान ने कोई पर्पस से इस समस्या को मेरे पास भेजा है ना। एक महिला को, वो मंगोल चाइल्ड होते हैं ना, बहुत बड़ा सर होता है, बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं ऐसे लड़के। तो ऐसा बच्चा हुआ, वो लड़की जब 5 साल की हुई तो किसी ने पूछा कि आपको टेंशन नहीं होता है, आप अपसेट नहीं होते कि भगवान ने ऐसा आपको मंद बुद्धि का बच्चा दिया। तो उसने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं होती हूं, मैं यही सोचती हूं कि भगवान को मालूम था कि मैं इस बच्चे की संभाल कर सकती हूं, इसलिए उसने मेरे पास भेजा। हाँ, और किसी के पास नहीं भेजा, जो जिसमें कैपेसिटी नहीं थी उसको हैंडल करने की, भी मेरे पास हैंडल करने की कैपेसिटी है, बस तो इस पक्का करो, डिविनाइज करो। जैसे आप भी अगर बॉस है, आपके नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो कोई काम है आप ऐसे कोई देंगे ना जिसमें आपको फेथ है कि ये कर पाएगा, आपको लगे नहीं कर पाएगा तो आप उसको काम ही नहीं देंगे। तो जो भी कहो, भगवान को मानो या ना मानो, ये कह सकते हैं कि भी कुदरत को भी पता है कि यह व्यक्ति इसको हैंडल कर सकता है, बस हमको तब स्टेट ऑफ माइंड को सही रखना है। तो इंटरनलाइज करो, डिविनाइज करो, और फिर उसी को रियलाइज करो। और आप देखना कि जब समस्या होती है ना, तब उल्टा लोगों की सिंपति ज्यादा होती है। आप देखो, कोई बहुत अच्छे घर के बच्चे के फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई झुग्गी झुपड़ी में रहने वाला लड़का है, उसकी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाता है तो हम सब भी उसको बोलते हैं ना कि देखो इतना अच्छा है, हाँ सुपर 30 देखा, ये लोग क्यों करते, भी इतना इंटेलिजेंट था, उसको तो जाना था ऑक्सफोर्ड, लेकिन पिताजी मर गए और ऐसी हालत आई कि वहां पर पापड़ बेचने पड़े, है ना, तब भी वो स्टेबल रहा। और फिर सोचा कि भाई ऐसे और बच्चों को मुझे पढ़ाना है, है ना, तो 30 बच्चों को अपने पास रख के IIT का कोचिंग देता है। तो मैं कहूंगा कि भी वो क्राइसिस को उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और अब देखो, और एक सिंपल सी टेक्निक कि जब भी कोई भी क्राइसिस आए, प्रॉब्लम आए, तो दूसरा विचार कहां से आ रहा है उसको देखो।
देखो अभी अभी करके दिखाता हूं, कमर को सीधी रख के बैठो, सभी बैठो। हाँ, आपने देखा है ना कि बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है ना। तो बस आंखें बंद करो और सोचो, जो दूसरा विचार आ रहा है वो चूहे जैसा है, अब ये दूसरे विचार को पकड़ना है, वो कहां से आ रहा है। देखते रहो देखते रहो, जैसे ही आए दूसरे विचार को पकड़ना है, देखते रहो। आंखें खोलिए, आया दूसरा विचार? शायद नहीं आया, नहीं तो इतनी देर में आपको चार पांच विचार आने थे, परंतु क्योंकि ढूंढ रहे थे कि भी दूसरा विचार कहां से आ रहा है, तो दूसरा विचार आया ही नहीं। तो जब भी प्रॉब्लम होने, बहुत अच्छी टेक्निक कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है उसको देखो। हाँ, अभी और अच्छे से समझ, भाई आपको पिक्चर को देखना पड़ेगा, पिक्चर को देखते रहो। देखो स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जो सारी मैकेनिज्म है कि हमें कोई भी विचार आता है, फिर बुद्धि उसको आका निर्णय करती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर एक्शन होता है और उसके बाद संस्कार, जब आप कर्म करते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। कोई भी कार्य है वह इसे बार बार करो तो संस्कार बन जाता है। देखो हम सब भी आपको यहां से बोलने वाले कि अब जब आप वापस जाएंगे ना, तो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर 7 दिन का कोर्स होता है जो पूरा मेडिटेशन सिखाते हैं। यहां तो बहुत कुछ आपको टेक्निकल बातें हम बता रहे हैं, तो वह 7 दिन का कोर्स आप जरूर करना। हाँ, आप में से कई लोगों ने सोचा कि भी हम जाके 7 दिन का कोर्स करेंगे, जो भी फ्री है। जब आप भी सेंटर पर जा रहे हैं तो रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, पहले दिन गए है ना, तो क्या होता है मन में विचार आता है क्योंकि एक डिश जलेबी खा लूं, लेकिन बुद्धि बोलती है नहीं नहीं, रास्ते की जलेबी अच्छी नहीं होती है, इससे मेरा वेट भी बढ़ जाएगा, कहीं मुझे डायबिटीज हो जाएगा। फिर भी आप सोचते एक दिन की तो बात है, चलो खा लेते, और आपने कर्म किया है ना, तो थोड़े से संस्कार पड़े। अभी दूसरे दिन भी जा रहे हैं, फिर से गरम गरम जलेबी बन रही है, तो आज भी विचार आता है, लेकिन पहले दिन बुद्धि ने शायद 5 मिनट सोचा था निर्णय करने से पहले, आज 4 मिनट में ही निर्णय कर लेगी कि अरे खा लो, क्योंकि संस्कार हो गए। हाँ, तीसरे दिन 3 मिनट, फिर 5वें 6ठे दिन तो आप सोचेंगे अभी क्या है, 7 दिन तो आना है, खा लो। अभी 7 दिन बीत गए तो क्या हुआ, संस्कार हो गए। अभी 8वें दिन आपको सेंटर पे जाना नहीं है, हाँ, परंतु संस्कार बन गए जलेबी खाने के उस जगह से, तो क्या करेंगे, स्पेशली वहां जाएंगे, वो संस्कार आपको लेके जाएंगे कि भी एक खाओ। जैसे हर प्रकार का, जो व्यक्ति सिगरेट पीने लगते, गुस्सा करते, ईर्ष्या करते हो है ना, फेसबुक पे जाते हो, ये सारे संस्कार हो गए हैं। और अभी इसमें ना प्रॉपरली सोच के इसको करना है। अभी बुरा क्या है देखो आप, हाँ? अभी इसमें क्या है, बुद्धि का बाईपास हो गया, बाईपास रोड होता है ना, कि बुद्धि ज्यादा सोचती ही नहीं है, तुरंत ही आपने निर्णय कर लिया, खा लिया। और इससे भी ज्यादा बुरा क्या है कि मन और बुद्धि दोनों का बाईपास हो गया। अब देखना, जो चेन स्मोकर है ना, उनको पूछो कि कितने सिगरेट पी, गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सिगरेट तो जब पी तब बुद्धि ने कुछ एनालिसिस भी नहीं किया, मन ने शायद सोचा भी नहीं, तो ये सबसे वर्स्ट। तो पूरा समझ गए ना, प्रीवियस देख लिया ना आपने, देखो प्रीवियस जो है ना, हाँ, ये प्रॉपर करना है हमको, मन का पूरा उपयोग करो, बुद्धि परफेक्ट निर्णय करे, बुद्धि का सही उपयोग करो, तभी कर्म करना है। कर्म हो गया तो संस्कार होना ही होना, बल विचार आएगा, परंतु कर्म में
कोई भी ऐसी बात नहीं रखनी है कि जिससे हमारे गलत संस्कार पड़े। देखो हाँ, अच्छा लगा, ये सब चीजें अच्छी लगी या नहीं? हाँ, कुछ सीखने जैसा है? हाँ, कई लोग कहते हैं सर अच्छा है परंतु इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या होता है? इम्पॉसिबल का स्पेलिंग बोलो बोलो बोलो, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग उधर देख लो, आई एम पॉसिबल। ठीक है, अच्छा हाथ कैसे करो? मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल, आपको बोला आई एम पॉसिबल। ठीक है, जोर से इम्पॉसिबल, अभी भी 10% ही बोल रहे, इम्पॉसिबल नहीं, अभी भी सब जोर से बोलना चाहिए, दादी कॉटेज तक तो आवाज जाना चाहिए ना, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, यस 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 इम्पॉसिबल, यस यस यस, करेंगे तो पक्का करना। देखो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, इसी बात का मेडिटेशन अभी जो हमने किया, आई ऑफ स्ट्रोम बताया ना, उसी से रिलेटेड यह मेडिटेशन है, आप समझ जाएंगे। कल कराया था थे ना, कहां गए थे? बलून में, बलून में कहां गए थे? नहीं गए ऊपर, कल कराया था ना सर। हाँ, अच्छा चलो आज दूसरा है, यह है समुद्र के अंदर आप जा रहे हैं, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। अच्छा कमर को सीधी रख के बैठो, मैं भी बैठ जाता हूं। हाँ जी, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रख दो, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए, राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप में से अधिकतर पहली बार करते होंगे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। बस अपनी सांस की गति को ही फील करो, सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रहा है। जैसे ही सांस की गति को फील करते हो, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। यह सोचिए कि शाम का समय है, आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, आपके पैर रेत में लगे हुए हैं, सूर्य अस्त होने को ही है, सूर्य रंग बेरंगी किरणें बिखेर रहा है, यह पूरे नजारे का आप आनंद ले रहे हैं। अब एक स्पेशल डीप डाइविंग ड्रेस पहन करके आप समुद्र के अंदर जाते हो, बिल्कुल सुरक्षित हो, एकदम निश्चिंत हो, आप समुद्र के अंदर जा रहे हो, और अंदर जाते हैं तो एक तूफान आता है, परंतु आपको पता है इससे डरना नहीं है, उल्टा इसके मध्य बिंदु में पहुंच जाना है, तो आप फटाफट उसके मध्य बिंदु की ओर जा रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी मध्य बिंदु की ओर जा रहे हैं, बस उसके सेंटर में पहुंच गए हैं। जैसे ही आप इस स्ट्रोम के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पूरी तरह से शांति है, जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम
अंतर्मुखी होकर के आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो पूरी तरह से शांति ही शांति है। चाहे बाहर कितनी ना अशांति हो, अंदर में पूरी तरह से शांति ही शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बस जीवन में भी आप ऐसा ही करेंगे, इस मध्य बिंदु पर टिके रहेंगे, भल आसपास में, परिवार में, ऑफिस में बहुत समस्याएं भी हो तो भी आप इंटरनलाइज करके उस शांत स्वरूप स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखते हैं कि ये पूरा तूफान समाप्त हो जाता है और आप अब समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में जा रहे हैं। परमात्मा भी एक सागर के समान है, बल रूप में बिंदु परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परमपिता परमात्मा। शांति के सागर है शिव पिता। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति ही शांति है। पिता परमात्मा प्रेम के सागर है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम से भरपूर हो रहा हूं। परमपिता परमात्मा मुझे प्यार से भरपूर कर रहे हैं। एक परमात्मा ही निस्वार्थ प्यार देते हैं, और समुद्र की गहराई में जा रहा हूं। एकदम गहराई में चला गया हूं। यहां कीमती मोती है, अलग अलग वैल्यूज के कीमती मोती है, गुणों के मोती है। इन मोतियों को मैं देख रहा हूं। शांति, आनंद, धैर्यता, पवित्रता, सरलता, अनेक मोती है। इनमें से कुछ मोतियों को मैंने अपने पास ले लिया है। उन्हें अपने जीवन का अंग बना लिया है। इन मोतियों से भरपूर होकर के अब मैं वापस बाहर आ रहा हूं। मैं बाहर आता हूं, धीरे धीरे बाहर आ गया हूं, और देखता हूं कि आचारों और शांति और पंछी वापस जा रहे हैं। पंछी वापस जा रहे हैं तो मुझे याद आता है कि मुझे भी अपने घर परम धाम वापस जाना है। बस अपने घर परम धाम वापस जाने के लिए अब मुझे तैयारी करनी है। मैं एकदम न्यारा होने लगा हूं।
डिटैच होने लगा हूं। एकदम न्यारेपन से धीरे धीरे वापस आप अपने लौकिक घर में आ जाते हैं। धीरे से आंखें खोलिए, एक राइट हाथ को ऊपर नीचे करिए, बस मैं आत्मा ही राइट हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूं। राइट हाथ को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे करिए, बस मैं आत्मा ही लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूं। लेफ्ट हाथ को नीचे रख दीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा हिलाइए, बस मैं वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा ही पैरों को हिला रही हूं। आप पैरों को भी नीचे रख दीजिए, बस ऐसे ही शांत स्थिति एकदम न्यारे होकर के सारा कार्य करेंगे। ओम शांत शांत शाम। तो यह छोटा सा अभ्यास था, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा ताली बजा दो। अच्छा तो चाली तो जल के नहीं, बताओ किसको बहुत अच्छा लगा, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ जिसको बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ जाओ, यहाँ आओ, आओ आओ फटाफट, आप फ्रंट रो वाले आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, पांच छह लोग आप लोग ज्यादा नहीं है, बस बस आ जाओ, आओ 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 आओ, आइए आइए आइए। देखो औरों को भी, बस बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा ही टाइम है हमारे पास। ओके बस बस बस, अभी देखो अभी सबको नहीं भी हुआ होगा, है ना, अभी बैठिए बैठिए, थैंक यू। क्योंकि आपने जो सारा प्रोसेस किया तो आपको क्या विजुअलाइज किया आपने, कुछ विशेष भी विजुअलाइज किया हो सकता है जो मैंने बताया उससे अलावा भी, और आपको फील क्या हुआ? हाँ वो शॉर्ट में बोलना, मैं माइक को पकड़ता हूँ। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था, जैसे बिल्कुल आप अपने आप से अलग हो रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं आपने अच्छा, बहुत शांति महसूस हुई और ऐसा लगा बिल्कुल रिलैक्स हो गए हम। हाँ बिल्कुल, बॉडी हल्की लगी, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सचमुच सागर में जा रहे हैं और गोते खा रहे हैं। ऐसा महसूस पहली बार हुआ है और इतना खालीपन, एकदम बॉडी पूरा फील, एकदम पूरा खा, एकदम बोला ना, उसको बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं, इतना गुड फील हुआ। वेरी गुड फीलिंग, जिन्होंने बोल दिया भाई, वेरी गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत शांत मन लगा मेरे को, एकदम शांति फील किया मैंने। इतने बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं पहली बार यहाँ पर आया, मुझे बहुत शांति मिली, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, देखो बैठिए, थैंक्स। बस बात ये है कि इसके बाद अभी जो बातें बताई उसको प्रैक्टिकल में करना है। कहते हैं यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। परंतु तो कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां ना टिकट ना स्टेशन होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 थैंक्स आदरणीय भ्राता जी डॉक्टर जीश पटेल जी का, आपने बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण देकर बहुत ही सरल तरीके से आज के इस विषय को स्पष्ट किया कि कैसे हम कितनी भी परिस्थितियां हमारे विपरीत हों फिर भी अंदर अगर मन की स्थिति शांत है तो उनको पार कर सकते हैं। और बहुत सुंदर अनुभवों वरी यात्रा भी हमें करवाई, आप सबने किया अनुभव, एक ही बार में इतना सुंदर अनुभव सब सुन भी रहे थे, आगे आगे और अनुभव करेंगे तो देखो कितना आगे हम बढ़ सकते हैं। तो चाहे बातें आए, परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम्स आए, आपने तो बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला हमें दे दिया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस,
क्राइसिस कैन बिकम अपॉर्चुनिटीज. चाहे कितनी भी क्राइसिस, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है. अंत में दो शब्द कहना चाहेंगे. मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है. हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. रुक कर पीछे भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, रुक कर पीछे भागने वालों को कुछ नहीं मिलता. आगे बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है. तो आपको आगे बढ़ने के लिए इतनी सुंदर सुंदर टिप्स दी, लेकिन आखिर में एक बात कही कि इसको प्रैक्टिकल में करना. सुना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकल अभी जाएंगे तो जब जब बातें आएंगी ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना. तो हमारे बीच में भ्राता जी भी मौजूद हैं, हम आपसे भी दो शब्द आज के संदर्भ में सुनना चाहेंगे. तो हमारे भ्राता जी करतोल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं. सिस्टर रीचा जी, ब्रदर डॉक्टर गर्वित पटेल और देश के कोने कोने से आए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का अपनी ओर से और भारतीय रेल की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ. वैसे इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर मुझे जितनी खुशी हो रही है, उससे ज़्यादा खुशी अभी डॉक्टर गर्वित, डॉक्टर पटेल साहब का, गिरीश पटेल साहब का जो हमने विचार सुने उससे हुई है. और उनके विचार सुनने के बाद मैं शायद यहाँ कुछ कह पाने की स्थिति में ना होता, लेकिन उन्होंने जो एक मेडिटेशन का जो लास्ट में एक जो हमको हमारी आत्मा का एहसास कराया, तो उसके बाद मन में जितनी भी उथल पुथल आई थी उन्होंने कई लोगों को बुला के यहाँ पूछा कैसा उनको लगा. मुझको बुला के पूछते तो मैं ज़रूर कहता कि कई दिनों से मन की जितनी भी उथल पुथल थी इसके बाद समाप्त हो गई और मैं कुछ करने लायक हो गया, कुछ कहने लायक हो गया. सही मायने में इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है, स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी. हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैं, चाहे वो रेलवे हो, सरफेस ट्रांसफर हो, सीवेज हो, सी फेयर हो, एयरवेज हो, सब जगह जिस तरीके की आपाधापी है और एक नए जमाने की ओर दिनों दिनों बढ़ने की जो हमारी कल्पनाएं हैं, पुराने जमाने को कोई आज याद करना भी नहीं चाहता कि जब 30-40 किलोमीटर की स्पीड से हमारी रेलगाड़ी चलती, आज हम 110, 120, उसके बाद 130, 40, 160 से 200 के बीच की योजना हम लोग बना चुके हैं. और इस दौर में हम ये भी विचार करते हैं कि जिस रेलगाड़ी में हम बैठे हैं उसकी ना सिर्फ स्पीड ज़्यादा हो, एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचे जितना समय पहले लगता था उससे बहुत कम लगे, और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो मन में विचार करते हैं कि सुरक्षित रूप से, सेफ रूप से हम अपनी जगह पहुंचने का काम करें. और ये सब चीजें अगर हम रोड की बात करें तो कार चलाने वाले को कई तरीके के रेगुलेशंस, जो नियम कायदे हैं, उनका पालन करते हुए कार चलानी होती है. जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, सामने से कोई आ जाता है. उसी तरीके से ट्रेन चलाने वाले
उसी तरीके से पालना पड़ती है, जितने भी सिग्नल्स आते हैं, कौन से स्टेशन पे रुकना है, कौन से स्टेशन पे नहीं रुकना है, लेवल क्रॉसिंग आ गया तो कहां हमें देखना है, विसिल का आदान प्रदान होता है, सिग्नल का आदान प्रदान होता है, सामने से आने वाली गाड़ी के सिग्नल का आदान प्रदान होता है, स्टेशन मास्टर के साथ सिग्नल का आदान प्रदान होता है कि आगे वाला ट्रैक ठीक है, गार्ड के साथ आदान प्रदान होता है कि गाड़ी में सब कुछ ठीक है, और इन सब के बीच में उसके दिमाग में एक बात होती है 110, 120, 130 चलना, और अचानक से सामने देखता है जब वो धुन में चल रहा है कि 130 चलना है और सिग्नल नहीं है, उसको रुक जाना होता है, कोई जानवर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, और अचानक उसका विवेक काम नहीं किया। कई बार जैसे आप रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और सामने से कोई आ जाता है, आपको रुकना पड़ता है, कैसा बुरा लगता है, कितना गुस्सा आता है। उसी तरीके का हमारे एक लोको पायलट के मन में भी आता है जब वो धुन में चलता है कि राइट टाइम मुझे पहुंचना है, और कहीं किसी तरीके से उसकी गाड़ी रुकती है। वहां पर अगर उसका मन शांत ना होगा, उसका दिमाग अगर एकाग्र चित्त ना हुआ, कंसंट्रेशन ना हुआ, तो किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और इसीलिए मेडिटेशन और अध्यात्म की बात की जाती है, और भारतीय रेल के लिए और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए तो यह जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम आज की तारीख में गाड़ियों की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय रेल के लिए मेडिटेशन और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और ये भी हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस देश में वर्षों से, मैंने आज जानकारी हासिल की कि 80 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, हमारा ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, ये संस्थान देश में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की क्रांति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये सफर जारी रहता है। मैंने क्रांति शब्द का उपयोग इसलिए किया कि आज बहुत तरीके के विकार हमारे देश में आ गए हैं, नैतिक मूल्य में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, मैंने एक बार अशोक चक्रधरजी की कविता सुनी थी कि मैं उस दिन पेट भर के खाना खाऊंगा जिस दिन अखबार में ये न्यूज पढ़ने को मुझे नहीं मिलेगी कि आज किसी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि वर्षों बीत गए मैंने आज तक भर पेट खाना नहीं खाया है। इस तरीके की परिस्थितियां आज की तारीख में हमारे देश में है, जिस तरीके के संस्कार हम में से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। एक दौर था, पारिवारिक परंपराएं थी, लोगों में रिश्तों की समझ थी, घरों में संस्कृति का बोलबाला था। आधुनिकता के दौर में किस तरीके से हम बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ उन्हें संस्कार सिखाने की भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेडिटेशन और अध्यात्म इस दिशा में बहुत कुछ हम लोगों के काम आ सकता है। अगर हम बच्चों को योग से, मेडिटेशन से, आध्यात्म से, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से परिचय कराने की कोशिश करेंगे, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में हमें नैतिक मूल्यों की एक झलक दिखाई देने लगेगी। और जब इस क्रांति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक देश में ये जन क्रांति का रूप ले लेगी, तो झलक नहीं
बल्कि हर व्यक्ति नैतिक मूल्यों के साथ दोनों पैरों पर सीना चौड़ा करके इस देश में खड़ा होगा। ये बात निश्चित रूप से एक सपना जरूर हो सकती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो ये सपना साकार भी हो सकता है। ये बात कोई बहुत अलग तरीके की नहीं है। जगह जगह हम जाते हैं, इस तरीके की बातें हमको सुनने को भी मिलती हैं। और मैं भारतीय रेल का एक सिपाही हूं, आप लोगों के बीच में मैं यहां पर हूं, उस रेल का सिपाही हूं, उस उद्योग का सिपाही हूं जो 24 घंटे सातों दिन 365 दिन अनवरत गाड़ियां चलाने का हम लोग काम करते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि 22,000 से ज्यादा गाड़ियां प्रतिदिन हम लोग चलाते हैं। करीब 2.25 करोड़ लोगों को प्रतिदिन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन में ले जाने का काम करते हैं। हमारे लोग धूप में, बारिश में, हर तरीके की परिस्थिति में काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हर वो रेल कर्मचारी जो ट्रेन के ऑपरेशन से जुड़ा है, जब घर से निकलता है तो जिसको भी वो प्रार्थना करता है उसको ये प्रार्थना करके निकलता है, जिसको भी वो मानता है उसके सामने हाथ जोड़कर निकलता है कि आज सेफ ट्रेन रन का जो मेरा मकसद है, उस मकसद को, उस ड्यूटी को पूरा कर ही मैं घर लौटने का काम करूं। यह हमारे रेल कर्मचारी की एक दृढ़ता है, एक उनका काम करने का तरीका है। और उनका जो जीवट, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 2001 में कच्छ क्षेत्र में बहुत भयंकर भूकंप आया था और पूरा कच्छ क्षेत्र चारों तरफ से संपर्क उसका टूट गया था, रोड से, रेल से। और यह भी आपको मालूम होगा कि जब एक बार भूकंप आता है तो उसके बाद कई दिनों तक झटके लगते रहते हैं, कई दिनों तक झटके लगते हैं और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। झटके लगते हैं तो बाहर आ जाते हैं और फिर अंदर चारते सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस समय, उस परिस्थिति में एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी इस तरीके की परिस्थितियां बहुत आती हैं। उस समय, उस परिस्थिति में जब लोग अपने परिवार के साथ घरों में रहते थे, सहमे हुए, डरे हुए, हमारे कच्छ क्षेत्र का संपर्क रेल से जुड़ जाए, इसके लिए हमारा रेल का प्रत्येक कर्मचारी घरों से बाहर निकला और उसने रेल लाइन को जोड़ने का काम किया। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट जुड़ने में टाइम लगा, लेकिन रेलवे का ट्रांसपोर्ट सबसे पहले जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। तो ये रेल कर्मचारियों का जीवट है और हम चाहते हैं कि हम पर कोई दाग ना लगे। हमारी जो विश्वसनीयता है, आज जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा सुलभ, सस्ता, आरामदायक और विश्वसनीय, सेफ अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो वो कोई भारतीय रेल है। हम इसकी विश्वसनीयता को नहीं खोना चाहते, इसीलिए हमने ये बात की है। आज भी दिन भर हम यहां थे, हमारे संस्थान के बहुत से लोगों से हमने बात की है। हम हमारे उन तमाम लोगों को जो ट्रेन ऑपरेशन से स्पेशली जुड़े हुए हैं या उन लोगों के लिए प्लानिंग करने से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के कार्यक्रम से आने वाले समय में जोड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स बना के यहां पर आएंगे, इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे, या यहां के जो लोग हैं डॉक्टर पटेल और दूसरे जैसे लोगों को हमारे यहां, हमारे संस्थानों में बुलाकर और इस प्रकार के प्रोग्राम करा के उनके मन में जो विकार है उसको शांत करने की कोशिश करें, ताकि सेफ रनिंग ऑफ रेल का हमारा जो मिशन है हम लोग उसमें कामयाब होने का काम करें। तो मैं इस मौके पर जो यहाँ सम्मान हमको दिया, भारतीय रेल के एक सिपाही को जो सम्मान दिया, उसके लिए
मैं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यह विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि जो उम्मीदें आपकी भारतीय रेल से है आने वाले समय में, अभी तक तो हम पूरी करने में कामयाब रहे हैं, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा तरीके से पूरी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस मौके पर एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतने शांत मन से, शांत चित्त से आपने हमारी बातों को सुना और इंस्टीट्यूशन को एक बार सम्मान के लिए और हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मुकेश माथुर जी, आपने बहुत ही प्रेरणादायी विचार हमारे बीच में रखे। और घूम फिर के बात वही आती है, अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इज स्पिरिचुअलिटी। तो आपने भी बहुत जरूरत, बहुत उस पर भी ध्यान खिंचवाया कि आज हर क्षेत्र में कैसे आध्यात्मिकता की जरूरत है, और इसको देखते हुए आपने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने का एक संकल्प रखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में पधारे, बहनों से अनुरोध करेंगे कि आज भ्राता जी को सम्मानित करने के लिए ईश्वरीय सौगात भेंट कर और शोल उड़ा करके उनका सम्मान करेंगे हमारी देवी बहनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्या, यहाँ बार बार आइए और प्यार प्रभु का यूं ही हजारों लाखों बार पाइए। भ्राता गिरीश भाई जी से भी अनुरोध करेंगे आगे आकर के भाई जी को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए। धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।